जो व्यक्ति दल बदलू है, जो व्यक्ति बार बार हर पार्टी में अलग अलग मखौड़ा लेकर के आते हैं, उनके ऊपर आज इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अडानी का पुतला दहन किया और कुछ देर बाद आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। नहीं देखिए, जो जला रहे हैं उनको जाके अपनी ही प्रदेश सरकारों से पूछना चाहिए कि वो जो पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में माइनिंग का प्रोजेक्ट, तेलंगाना में जो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनमें वो अपनी जांच बैठाए, अपना करें कार्रवाई। इस वालों को तो कुछ ना कोई बहाना चाहिए। अडानी का जो वो करिश्मा है, जो उन्होंने विदेशों में जाकर उनके नींव हिलाने का काम किया, अडानी वो शख्सियत है। और ये भाजपा की जीत के साथ साथ महिला की जीत है, जिसे 33% का आरक्षण दिया गया था। हरियाणा से हमारी लहर शुरू हुई थी और ये पूरी चलेगी, आने वाले समय तक चलेगी। आशा नौटियाल दी जीत दियाली, ओहो आशा नौटियाल दी जीत दियाली। केदारनाथ बाय इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और केदारनाथ से आशा नौटियाल जी बीजेपी की प्रत्याशी जीत चुकी हैं और उन्हीं की जीत की खुशी में आज चंद्रशेखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। यहां पर हमारे साथ महिला मोर्चा सब मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगे, महिला शक्ति केदारनाथ में फिर जीत गई एक बार? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और केदारनाथ में जिस तरीके से आशा दीदी ने इतने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है, तो संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मातृ शक्ति पे जो अपना विश्वास दिखलाया और हमको दीदी को मौका दिया कि वो जाकर वहाँ पर चुनाव लड़े, और इतने अच्छे मार्जिन से दीदी ने जीत जो जाली है बीजेपी की झोली में, तो हम सब मातृ शक्ति के लिए आज बहुत गर्व की बात है और हम सब बहुत खुश हैं कि आज दीदी वहाँ की विधायक चुनी गई हैं। आप लोग एक गढ़वाली में गाना गा रहे थे, हाँ। अपने कार्यालय पे क्या गाना था, वो एक बार सुनाएंगे? गाना तो वो गा रही थी, वो सुमन जी ने गाया था, लेकिन वो गाना आशा दीदी के ऊपर ही था कि उन्होंने इतनी अच्छी जीत हासिल की है, मातृ शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया है। चलो मैं आ गई है, गाना सुना रहे। आशा नौटियाल जिंदाबाद, आशा नौटियाल जिंदाबाद। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमालय, जय काशी केदार, जय जय हिमालय। केदारनाथ ने आशीष दियाली, केदारनाथ जी आशीष दियाली, ओहो आशा नौटियाल दीदी ते जीत दियाली, ओहो आशा नौटियाल दीदी ते जीत दियाली। मातृ शक्ति की ताकत आशा जी, मातृ शक्ति की ताकत आशा जी, ओहो कमल खिलाई जय जय हिमालय, ओहो कमल खिलाई जय जय हिमालय, ओहो कमल खिलाई जय जय हिमालय। धन्यवाद आशा नौटियाल दीदी, जिंदाबाद। और भी यहाँ पर कार्यकर्ता सब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, केदारनाथ में एक बार फिर कमल खिल गया है? केदारनाथ तो हमारी हिंदू की वो आस्था है जिसमें कमल और बाबा जी का आशीर्वाद माननीय मोदी जी पर भी है, माननीय धामी जी पर भी है। ऐसे करिश्मा बाबा केदारनाथ में हमें जीतना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमको वहाँ जीतना ही है और आशीर्वाद हमारे साथ है। इससे यो मैसेज कहा कि बाबा केदारनाथ जो धामी जी ने, मोदी जी ने जो वहाँ करिश्मा किया, जो अभी देखोगे यात्रा जो पहले से ज़्यादा बढ़ रही है और पूरे उत्तराखंड को संजीवनी का काम है, बाबा केदारनाथ तो हिंदुओं की वास्ता है। यहाँ पर हम इसीलिए धामी जी का भी करिश्मा और मोदी जी का करिश्मा यहाँ चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अडानी का पुतला दहन किया, उसकी राख भी अभी तक यहीं पर है और अभी थोड़ी देर बाद आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, ये क्या मतलब? कांग्रेस वालों को तो कुछ ना कोई बहाना चाहिए। अडानी का जो वो करिश्मा है, जो उन्होंने विदेशों में जाकर उनके नींव हिलाने का काम किया, अडानी वो शख्सियत है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं? बिल्कुल झूठा है, पहले भी आरोप लगा था। अडानी तो वो शख्सियत है
कि इस देश को भी और विदेशों में जाकर जो भारत चाहता है वो विदेशों में भी जाकर उनकी नींव हिलाने का काम किया है। आज तो जश्न का माहौल है। यहाँ पर अक्षय सर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे, जो केदारनाथ में जीत हासिल हुई है भाजपा को? ये तो इतनी बहुमत 5,622 वोटों से हमारी कैंडिडेट श्रीमती आशा नौटियाल बहन जी जो हैं वो जीती हैं, और ये दिखाता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो नेतृत्व है वो कितना असरदार है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे जिस प्रकार से हैं, और लोगों ने उसको जो है एक बढ़िया थम्स अप दिया है। सर अभी कुछ सुबह के टाइम में कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अडानी का पुतला दहन किया, और कुछ देर बाद आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस कंपैरिजन? नहीं देखिए, जो जला रहे हैं उनको जाके अपनी ही प्रदेश सरकारों से पूछना चाहिए कि वो जो पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में माइनिंग का प्रोजेक्ट, तेलंगाना में जो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं उनमें वो अपनी जाँच बैठाएँ, अपना करें कार्रवाई। कोई उनका जो है वो उनका सरोकार है, उन्हीं की सरकारें हैं, उन्हीं की सरकारों ने प्रोजेक्ट दिए हैं। पर ये बात सोचने की है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई देश के कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हो, जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हो, कहीं विदेश में अगर उनकी जो है उनके खिलाफ कोई बात होती है तो एक पार्टी इतना जश्न क्यों मनाती है, ये सोचने का विषय है। तो जो पुतला जला रहे हैं आप उनसे बात जाके पूर्ण तरीके से पूछें कि वो अपनी केंद्र, अपनी जो सरकारें हैं राज्य में उनका क्या कर रहे हैं, और ये जो भारत विरोधी सोच कई देशों की है, सोरोस वाली जो सोच है उसके समर्थन में क्यों खड़े दिखते हैं? सर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि केदारनाथ का रिजल्ट आने के बाद निकाय चुनाव की डेट भी आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है शायद डेट आगे शिफ्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, निकाय चुनाव की डेट का चुनाव से, विधानसभा चुनाव से कोई उसका लेना देना नहीं है। वो एक प्रोसेस है, कुछ कोर्ट में पिटीशंस हैं उनको पूर्ण होने की वजह से जो है एक समय है, आरक्षण जो है वो लागू होना है उसकी वजह से, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक समय के साथ होती हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार है वो इसको लेके बहुत गंभीर है, और बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद सर। कितनी खुशी हो रही है केदारनाथ में एक बार फिर भाजपा का झंडा लहराया? देखो, हमारे पूरे देश में झंडा फहरा रहा है, विश्व के नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, ये नारे के साथ और ये चुनाव जीता गया है, और विकास के साथ में हरियाणा से हमारी लहर शुरू हुई थी और ये पूरी चलेगी, आने वाले समय तक चलेगी। आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा, आपको भी शुभकामनाएं, बधाई। क्या कहना चाहेंगे आज जीत के बाद? ये भाजपा की प्रचंड जीत है जिसे आज भाजपा जिला कार्यालय रुड़की द्वारा और सभी भाजपा के पदाधिकारी सम्मानित कार्यकर्ता मना रहे हैं। ये भाजपा की प्रचंड जीत है, और ये भाजपा की जीत के साथ साथ उस महिला की जीत है जिसे 33% का आरक्षण दिया गया था, एक आम आदमी की जीत है जिसे विकास मिला है, ये भाजपा की, ये धामी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, और सभी लोगों ने पुनः एक बार भाजपा पर विश्वास जताकर धामी जी पर और मोदी जी पर ये बताया कि आज उनका डंका पूरी तरह बज रहा है। सर आज केदारनाथ की जीत के बाद आशा नौटियाल जी वहाँ जीती हैं, तो क्या ये सिद्ध हो गया है कि केदारनाथ की बागडोर एक महिला ही संभालेगी? देखिएगा, ये तो एक संयोग की बात है, सुयोग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है कि उन्होंने सुशासन के समर्थन में वोट किया है, उन्होंने एक विकास परक सोच वाली पार्टी के समर्थन में वोट किया है, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि केदारनाथ का जो विकास मतदाताओं की अपेक्षा है निश्चित तौर पर उससे भी ज़्यादा बढ़कर होगा। क्या कहना चाहेंगे आज केदारनाथ में भाजपा का झंडा लहराया है? बाबा केदारनाथ की धरती जिसका सर्वांगीण विकास बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से मोदी जी ने किया, धामी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये मोदी जी की, धामी जी की जीत है, केदारनाथ की जनता की जीत है। पहले भी उन्होंने भाजपा का विधायक दिया था, तब भी उन्होंने भाजपा का विधायक दिया है। पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जहां जहां भी भाजपा की है उनकी कल्याणकारी नीतियों की जीत है। भगवानपुर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? भगवानपुर में इस बार कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा, और एक निष्ठावान कार्यकर्ता भगवानपुर से विधायक बनेगा, और जो व्यक्ति जो झूठे हैं, फरेबी हैं, और जो व्यक्ति दल बदलू हैं, जो व्यक्ति बार बार हर पार्टी में अलग अलग मखौड़ा लेकर के आते हैं, उनके ऊपर आज इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए
तो भगवानपुर का तो देखेंगे, जैसा देशराज कंडवाल जी ने कहा है पूरी बात को घुमा दिया है, जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज केदारनाथ का जो बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर यहाँ पर जश्न का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क, धन्यवाद।